नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सफर का साथी सुरेश देवासी हाजिर हूँ एक और शानदार वीडियो लेकर। आज मैं अभी हूँ बीकानेर में देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो है करणी माता का मंदिर है। अभी मैं आपको यहाँ माता जी के दर्शन करवाऊँगा और अब मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक जो है करणी माता मंदिर के बाहर एक मार्केट लगा हुआ है जहाँ पर प्रसाद हो गए और फैंसी आइटम्स हो गए। यहाँ पर अलग अलग जो है आपको मिठाई मिल जाएगी। और सामने आप देख सकते हो, वो देखो वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव देशनोक, यानी एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर देशनोक का। से ये मंदिर के अंदर रास्ता जाता है यहाँ से। अब मैं यहाँ जाऊँगा और ये देखो आप, ये है करणी माता मंदिर देशनोक में। एक बात और है कि करणी माता जो है चारण समाज की कुलदेवी है, राठौड़ वंश की भी कुलदेवी है। और ये सेल्फी पॉइंट है और इधर ये छोटा सा थोड़ा मार्केट बना हुआ है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर सामने जो है श्री करणी माता म्यूजियम भी है। आप आओ अगर दिन में तो इस म्यूजियम में भी जा सकते हो, अभी रात है तो ये बंद है। अब मैं आपको एक बार मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और ये देखो यहाँ पर ये है जो करणी माता का मंदिर यहाँ पर देशनोक में। दोस्तों अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये है यहाँ पर करणी माता मंदिर देशनोक, अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर है और यहाँ से मुझे जो है अंदर जाना है माता जी के दर्शन के लिए। तो आपको भी मैं दर्शन करवाता हूँ माता जी के, तो वीडियो देखते रहना। अभी मैं आपको यहाँ से अंदर चल के दर्शन करवाऊंगा। और ये मंदिर है पूरा संगमरमर से, इसका जो है मेन गेट बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर कबूतर जो है रात में यहाँ पर अपना पैरा डालते हैं। और यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। ये जो गेट बना हुआ है चांदी का गेट है, ये आप देख सकते हो पूरा एक अच्छा जो है यहाँ पर द्वार बना हुआ माता जी का। और ये द्वार जो है चांदी का है। देवी माँ के लिए मैंने प्रसाद ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस मंदिर में चूहे बहुत ज्यादा है, इनको काबा कहा जाता है। ये मंदिर है आप देख सकते हो, ये मंदिर का परिसर है पूरा। ये सामने जो है करणी माता का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है दर्शन के लिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से मुझे जो आगे जाना है दर्शन के लिए, ये देखो मंदिर में आने पर यहाँ पर आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है श्री करणी मंदिर देशनोक। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्लीज पे, कैमरे का चार्ज है, मूवी का चार्ज है। और इधर इस वाली साइड में लिखा हुआ है काबो के लिए दूध चूगा फल आदि व्यवस्था कर सकते। और यहाँ से मुझे अंदर जाना है मंदिर में। ये देखो फ्रेंड्स, ये मंदिर में जो देखो आप चूहे हैं यहाँ पर, ये चूहों के लिए जाना जाता है मंदिर। और ये सामने जो है देवी माँ का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। आगे चल रहा हूँ मैं करणी माता जी के दर्शन। तो अभी मैं मंदिर के अंदर हूँ और यहाँ से मैं आपको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। और सामने आप देख सकते हो ये मंदिर है माता जी का। दोस्तों एक बार मैं फेरी लगा देता हूँ मंदिर में, यहाँ से भी हम दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके। ये देखो अब आप मंदिर में कभी आओ तो ध्यान रखना कोई चूहे पे आपका पैर नहीं लगे। वैसे जो है आप सही हो तो नहीं लगेगा और आप अधर्मी हो तो लग जाएगा, वो वाली बात है। ये माता जी के वाहक है ये जो चूहे हैं। और लोग यहाँ पर देखो चूहों के लिए जो है चना मूंगफली भोंगड़े जो है यहाँ पर डालते हैं। और ये जो फेरी का है यहाँ पर भी माता जी को भोग देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये सर जो देखो माता जी के जो यहाँ पर काबे हैं उनको जो है डाल रहे हैं दाना। और कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ मंदिर में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखो चल रहा, देखो ये देखो ये चूहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बड़े बड़े चूहे हैं, अलग अलग चूहे हैं आपने को देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर एक गेट है माता जी का, उस वाली साइड में भी है, इस वाली साइड में भी है। ये चांदी का गेट है, ट्रस्ट की व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। यहाँ
यहाँ पर ये माता जी के दर्शन कर सकते हो आप। ये देवी माँ विराजमान है मंदिर में, ये देखो। यहाँ से मैं जो है अंदर दर्शन करने जाऊंगा। जय हो, बोलो साचे दरबार की जय हो। ये देखो यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हो चूहे दूध पी रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी है। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर आपको जो है मंदिर में। ये देखो परिसर में लोग दर्शन करना आए हैं। मैं आपको पूरा परिसर दिखा देता हूँ। ये मंदिर का परिसर है यहाँ पर। अभी जो है रात के लगभग 9:30 बजे है, लेकिन लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और ये परिसर बना हुआ है इधर। और यहाँ पर देखो करणी माँ की जो भक्ति में तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको करणी माता के दर्शन करवाए हैं। मंदिर के देशनोक में स्थित है ये मंदिर। अगर आप कभी देशनोक आओ तो यहाँ पर करणी माता के मंदिर जरूर आना। अगर बीकानेर भी आओ तो ये बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है। हर आधे घंटे में आपको बस मिलती रहेगी और यहाँ पर आप रात को 10 बजे तक दर्शन कर सकते हो। और अभी जो है मैं लगभग 10 बजने वाले हैं तो मंदिर से बाहर आ गया हूँ दर्शन करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ करणी।